ऑलराइट सो गाइस हेलो एवरीबॉडी वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो गाइस हम लोग आज गणपति की मूर्ति देखने जा रहे हैं पटियाला में, तो राहुल भाई के साथ जाए। राहुल भाई मज़ा आएगा, तो देखेंगे आपको बताएंगे मूर्तिस, और अंकल का डिस्क्रिप्शन में नंबर भी देंगे, आप उनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, नए नए मूर्ति बनाएंगे और कलर के साथ आपको सब बताया जाएगा। तो अब अगले ब्लॉग में देखते रहिए आगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड बॉडी। वो जहाँ से हम मूर्ति बनाए वो अंकल की मूर्ति है दुकान, तो इधर से जाना पड़ता है, यहाँ से सीधा जाएंगे तो आप को दिख जाएगी मूर्ति। राहुल भाई ने राहुल भाई लेके आए मेरे को। राहुल भाई हाँ राघव मात्रा महेंद्र कॉलेज के पास ही है ये मूर्ति वाला, इनका नाम दिलीप मूर्ति वाला है कलाकार, बहुत ही बढ़िया मूर्ति बनाते हैं वो। देखना ब्लॉग में आप उनसे नंबर लेकर कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। गणपति की बुकिंग स्टार्ट हो गई है तो कर लीजिए, थैंक यू। और राइट हे एवरीबॉडी वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो गाइस। तो हम लोग आज आ जाए हैं गणपति देखने पटियाला की, तो हम लोग भैया से बात करेंगे यहाँ पे। भैया दो मिनट आओगे? तो यहाँ पे गणपति बनाते हैं भैया। मैं इससे पहले आपको हैदराबाद के ब्लॉग में बता रहा था, हैदराबाद में अलग अलग तरीके से मूर्ति बनती है। तो ये हमारे भैया है, नमस्ते भैया। नमस्कार जी। आपका नाम भैया? दिलीप है। दिलीप आप यहाँ कितने साल से बना रहे हो मूर्ति? मैंने 30 साल हो गए भैया। 30 जन्म यहाँ पे। अच्छा, तो आप किस प्रकार की गणपति बनाते हो? हर एक प्रकार की आता है, हर एक अवतार आता है, कृष्ण अवतार हो गया, राम अवतार हो गया। तो आप देख सकते हो वीडियो मूर्ति देख सकते हो आप। सूर्य अवतार है, राम अवतार, ये राम अवतार है। तो ये कितने फुट का है भैया? ये 4 फुट का है जी। 4 फुट का? हाँ जी हाँ जी। तो इसका क्या रेट होगा प्राइस? प्राइस ये रंग रूंग करके 10,000 पड़ेगा। 10,000 ये? ये 10,000 का है, ये 4 फुट का है। तो आप देख सकते हैं कितनी सारी मूर्ति है यहाँ पे भगवान गणेश जी की, और भी आपको मिल जाएगी जैसे आप लोग घर में बिठाते हो। हाँ जी हाँ जी, आगे आ जाओ देख लो और भी चीज़ें। यहाँ पे भी है ये देख लो, शॉप अंदर बनी हुई है। 30 साल हो गए। कितने? 30 साल हो गए करीब। 30 साल हो गए? हाँ जी 30 साल हो गए। तो आप ये खाली अकेले बनाते हो? पहले ही तैयार करता हूँ जी, पहले महीने में तैयार कर देना मैं जी। पहले महीने में तैयार करते हो? हाँ जी। धीरे धीरे कितनी मूर्ति बनाते हो आप, छोटी से लेके बड़ी? 500-600 मूर्ति बनी जाती है और बिक जाती है। बिक जाती है जैसे आप ये देख सकते हो अंकल, इसका क्या प्राइस होगा? 3500 रुपये है जी। 3 फुट 3500 रुपये 3 फुट की मूर्ति है जी। और अंकल इसमें अभी कितना टाइम लगा प्रॉपर पूरी फिनिशिंग के साथ? इसको हमको करीब ये ऑन एंड टाइम पे तैयार हो जाएगी, ऑल द टाइम में पे आएगी, ऑल द तैयार हो जाएगी जी। तो और अंकल अगर आपको दिया जाए कि ऐसी बनाना है तो बन जाएगी जी सर? कितना टाइम पहले देना पड़ता है? पहले 4 महीने पहले देना पड़ता है। 4 महीने पहले देना पड़ता है। तो आपका नाम अंकल? दिलीप है। दिलीप अगर आप देख सकते हैं, अगर आपको गणपति चाहिए तो आप यहाँ नज़दीक आ सकते हैं मूर्ति पार्क सिरंद रोड के, सिरंद रोड है नहीं, महिंद्रा कॉलेज के पास आपको हर प्रकार की गणपति जी मूर्ति मिल जाएगी। अरे और भी बता दीजिए हमें। तो आप अकेले ही करते हो अंकल? अकेले करता हूँ। अच्छा, बड़ी बड़ी मूर्ति बना लेते आप अकेले? मूर्ति तो बहुत बढ़िया है। बड़ी दिख रही है। ये आपकी वाइफ है अंकल? तो ये भी आपके साथ ही रहती है? हाँ जी। तो इसको कितना टाइम लगेगा अभी? अभी इनको मतलब समझ लो इनको तैयार यार करने में 1 महीना लग ही जाएगा। अभी गणपति बैठने में भी तो टाइम है। टाइम है जी, ज़्यादा तैयार थी और करने में बस फिनिशिंग जाने में। मूर्ति देख के हम लोग आज के राहुल भाई को भूख लग रही है ज़बरदस्त खतरनाक। भूख तो मेरे को भी लग रही है, पहले राहुल भाई को लग रही थी। राहुल भाई यहाँ पे है दुकान, क्या खाओगे? तो गाइस ये है पटियाला, इसको पीली सड़क के नाम से भी जाना जाता है। राहुल भाई बर्गर वाला है, बर्गर खाओगे? और तो देखें राहुल भाई क्या खाएंगे। स्ट्रेट ही हो पहले हम लोग आ गए हैं खाने, और बच्चों को भूख लग रही थी, मेरे को भी लगी है, दोनों को भी भूख लगी थी।
मेन इसको भूख लगी थी, इसको ये 2 मिनट नहीं चल सकता, ये 2 मिनट अब इसने आपको पता है गाइस क्या मंगाया, फ्राई राइस और आलू के परांठे, वो भी कितने, इसको पूछो कितने मंगाए ब्रो तुमने, राइस, दो आलू के परांठे और एक फ्राई राइस, दो आलू के परांठे, क्या क्या खाई गई बताओ, ये तो दिमाग नहीं है इसको, हम आपको खाना आएगा खाने के नाम बताएंगे। इसका परांठा आज का है, मेरे राइस में भी टाइम लगेगा भाई, स्टार्ट दे 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 करना है भाई को खाली, अचार आ गया, खा लेगा तू अकेले दो, ये तो फ्राई राइस भी खाएगा मेरे को लगता है, बस कर अचार फ्री में दे रहे तो पूरा ही खाएगा, ठूस 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 तू ठूस, फ्राई राइस में भी टाइम लगेगा, टेस्ट करके बताएंगे राहुल भाई, राहुल भाई टेस्ट, राहुल भाई टेस्ट बढ़िया बढ़िया गाइस। अबे गाइस हमारा आने का टाइम नहीं है, हम भी टेस्ट करने वाले हैं कैसा है, थैंक यू गाइस, खा रहे हैं खाना, आप भी खा लीजिए, टेस्ट बहुत ही बढ़िया है फ्राइड राइस का, आलू का परांठा ट्राई करेंगे, इसका पूरा बिल राहुल भाई देने वाले हैं आज, राहुल भाई तो स्टे ट्यून गाइस, वीडियो आ जाएगा, लाइक कर सब्सक्राइब चैनल को करें, शेयर जरूर करेगा, थैंक यू। आपको गणपति मूर्ति अगर बुक करानी है तो आप डिस्क्रिप्शन में अंकल का नंबर मिल जाएगा, वहाँ से बुक करा सकते हैं, थैंक यू गाइस, स्टे ट्यून।